राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस की यूपीए सरकार में की गठबंधन में दरारें साफ दिख रही हैं। इसी कारण गठबंधन धर्म की बराबर दुहाई देने वाली कांग्रेस आज उस सरकार में पहला नेतृत्व का अभाव है, दूसरा सामंजस्य का अभाव है और तीसरा विश्वसनीयता का अभाव है। कांग्रेस अहंकार में डूबी हुई है और कांग्रेस का अहंकार किस लिए है? शायद वो महंगाई बढ़ाने पर अहंकार कर रही है, शायद वो भ्रष्टाचार करके अहंकार कर रही है। जहां विपक्ष को जिस तेवर में अहंकार के साथ जवाब देने वाली कांग्रेस आज अपने सहयोगी दल को भी अहंकार की भाषा में जवाब दे रही, विशेष करके दो दिनों से पूरे देश में जहां आज चर्चा होनी चाहिए थी महंगाई की, जहां भ्रष्टाचार में फंसे हुए मंत्रियों के बारे में देश में जगह जगह चर्चा हो रही है, उस पर कांग्रेस को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, वहां कांग्रेस का पूरा ध्यान सिर्फ गठबंधन को ठीक करने में लगा हुआ है। दो दिनों से बयानबाजी हो रही है, कांग्रेस के एक बड़े नेता जनार्दन द्विवेदी ने ममता जी जब मिलकर सोनिया जी से आई थी, उन्होंने 10 जनपद के दरवाजे पर खड़े होकर पहली बार 10 जनपद के दरवाजे पर खड़े होकर 10 जनपद के दिए हुए सोनिया जी के दो नाम को खारिज किया और वहां से मुलायम सिंह जी के घर पर आकर उन्होंने तीन नाम देश के सामने पेश किए। अभी तक देश को अपेक्षा थी कि कांग्रेस अपने सहयोगी दलों से बातचीत करके एक नाम देश के सामने रखेगी, लेकिन इसमें कांग्रेस पूरी तरह असफल हुई। राष्ट्रपति चुनाव की कवायद में एक बात साफ हो गई है कि यूपीए में नेतृत्व के प्रति उनके गठबंधन दलों का जो विश्वास था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। जिस तरह से यूपीए के अंदर के एक साथी और एक उनको बाहर से समर्थन दे रहे साथी ने मनमोहन सिंह जी का नाम पेश करके उनको प्रधानमंत्री के पद से विमुक्त करने की योजना बनाई, क्योंकि आज मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में देश कड़ाह रहा है और महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ा है और उनके ही सहयोगी दल उनको प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, यानी वो प्रधानमंत्री के पद पर उनको बहुत देर तक देखना नहीं चाहते। इसलिए देश में एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, ऐसे महंगाई बढ़ी है उसको रोकने में पूरी तरह से मनमोहन सिंह और उनके काबिल वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी पूरी तरह से महंगाई रोकने में फ्लॉप हुए। जहां मनमोहन सिंह से अपेक्षा थी कि एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री महंगाई रोकने के लिए कोई सहयोग करेंगे, वहां वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से भी अपेक्षा थी कि वो महंगाई रोकने के लिए कोई कठोर कदम उठाएंगे, लेकिन आज जब वो टेलीविज़न के सामने आए, मीडिया के सामने आए, तो हमको ये अपेक्षा थी कि आज वो महंगाई के बारे में कुछ कदम उठाकर देश को बताएंगे, लेकिन आज प्रणब मुखर्जी ने देश को निराश किया है। उन्होंने पिछले तीन सप्ताह के जो आंकड़े उन्होंने दिए हैं
उसमें महंगाई जो बढ़ी है उसके बारे में उन्होंने कोई ठोस कदम का ऐलान करने की जगह महंगाई थोड़ी बढ़ी है उसको इस तरह से बता रहे थे जैसे वो सरकार की कोई प्रणब मुखर्जी को उपलब्धि बता रहे हैं। वो देश को मई के महीने में महंगाई में जो बढ़ोतरी हुई है उस महंगाई की मार झेल रही जनता वित्त मंत्री से ये अपेक्षा करती थी कि वो आज कोई महंगाई रोकने का कदम उठाने की घोषणा करेंगे और देश में अपने नाम का कोई गुडविल खड़ा करेंगे, लेकिन आज उन्होंने महंगाई बढ़ाने की सूचना दी। सरकार अपनी समस्या में घिरी हुई है, उसको देश से कोई मतलब नहीं है। सरकार कांग्रेस कैसे बचेगी, भ्रष्टाचार को कैसे कवरअप करेंगे, इसमें लगी हुई है। महंगाई रोकने का कोई कदम सरकार की तरफ से नहीं उठा है। जिस तरह अप्रैल 2012 में कच्चे तेल की कीमत $120.59 प्रति गैलन था, तब 7.5 रुपया तेल की कीमत बढ़ाई गई थी पेट्रोल की। आज कच्चे तेल की कीमत ₹120.59 से घटकर $120.59 प्रति गैलन से घटकर आज $82.84 प्रति गैलन है। फिर भी महंगाई क्यों नहीं घट रही है और पेट्रोल के दाम क्यों नहीं घटाए, ये प्रणब मुखर्जी से देश जानना चाहता है। अभी जिस तरह से यूपीए सरकार चल रही है, पहले ही देश के बड़े उद्योगपति ने कहा है कि ये सरकार पूरी तरह से नेतृत्व विहीन है, आज देश में नेतृत्व का अभाव है। और जिस तरह की भाषा का उपयोग अभी सरकार के लोग कर रहे हैं उससे ये अंदाज़ा होता है कि इस सरकार के पास आज देश को देने के लिए कुछ नहीं है। जहां मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व पर पहले ही सवालिया निशान उनके सहयोगी दल ने उठाए थे, अब सोनिया गांधी जी के नेतृत्व पर भी उनके घर के सामने खड़े होकर सवालिया निशान उठाए गए। जहां तक राष्ट्रपति चुनाव का सवाल है, हम लोग इस पर एनडीए की बैठक होगी कल 11 बजे माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के निवास स्थान पर एनडीए की बैठक होगी और उसमें एनडीए वर्तमान स्थिति पर चर्चा करेगा।